हेलो दोस्तों, मैंने ये आर्टिकल लिया है, गूगल से लिया है। बहुत ही सुंदर है, उसको पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ ऐसे मीनिंग वर्ड मिलते हैं तो उनको आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। डॉटर्स ऑफ आर्मी ऑफिसर एहसानी। डॉटर माने बेटी, लड़की ऑफ आर्मी ऑफिसर एहसानी। आर्मी की जो पुत्री है एहसानी वैद्या गेट्स माने प्राप्त करती है 499 आउट ऑफ 500 इन CBSE 12th। एम्स टू बिकम IAS, जो उसका एम से उद्देश्य है वो IAS बनना चाहती है। आगे देखते हैं। ये एहसानी जी हैं, आप एहसानी जी को देख सकते हो, काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने, अच्छी पढ़ाई भी करी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। डिस्पाइट एग्जाम्स नोट बीइंग कंडक्टेड दिस ईयर्स, डिस्पाइट मतलब बावजूद एग्जाम नोट बीइंग कंडक्टेड, एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं इस साल ड्यू टू द पैंडेमिक, महामारी की वजह से। एहसानी विद्या एक क्लास 12th स्टूडेंट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, जो एहसानी विद्या हैं क्लास 12 की विद्यार्थी हैं आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा में है, जो हैज़ टॉप किया है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE क्लास 12th एग्जाम। एहसानी विद्या ने जो कक्षा 12 की स्टूडेंट है आर्मी पब्लिक स्कूल की जो नोएडा में है वो टॉप किया है सेंट्रल बोर्ड CBSE जो एजुकेशन CBSE है, जो है CBSE बोर्ड से। सी हैज स्कोर्ड 499 आउट ऑफ 500। सी हैज स्कोर, उन्होंने स्कोर किया है 499 आउट ऑफ 500, 500 में 499 उन्होंने प्राप्त किया है। एहसानी हैज स्कोर्ड परफेक्ट 100 इन इंग्लिश, इंग्लिश में उन्होंने 100 में 100 प्राप्त किए हैं। एहसानी हैज स्कोर्ड ए परफेक्ट 100 इन इंग्लिश, इंग्लिश में 100 नंबर प्राप्त किए हैं इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस में एंड साइकोलॉजी में भी 100 नंबर प्राप्त किए हैं। मैथमेट्रिक इज द ओनली सब्जेक्ट दैट एहसानी लॉस्ट ए मार्क। मैथमेट्रिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एहसानी ने लॉस्ट माने खोया है एक मार्क, उनको एक नंबर नहीं मिल पाया। हैविंग स्टडीड मैनेजमेंट साइंस इन क्लास 12th, कक्षा 12वीं में साइंस मैनेज पढ़ने के बाद ए स्ट्रीम ऑफर्ड बाई द आर्मी पब्लिक स्कूल, ए स्ट्रीम ऑफर जो एक विभाग जो ऑफर किया गया था बाई द आर्मी पब्लिक स्कूल। एहसानी एम्स टू टेक अप इकोनॉमिक, जो एहसानी का एम्स है टू टेक अप लेना इकोनॉमिक ऑनर्स जो ऑनर किया गया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है प्रेफरेबली श्रेष्ठ रूप से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का है वहाँ से। फ्लोइंग हर ग्रेजुएशन के बाद सी प्लान्स, उनका प्लान है टू सीट फॉर UPSC, टू सीट यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन एग्ज़ाम। सी प्लान, उसका प्लान है बैठना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में। एंड एम्स, जो उनका एम उद्देश्य है टू बिकम एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, जो उनका एम है बिकम माने होना, एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक सर्विस ऑफिसर बनना चाहती हैं। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया है या मतलब रियलाइज कर चुकी हूँ, माई हार्ट इज रियली इन टू IAS, जो मेरा हार्ट है, जो मेरा दिल कह रहा है AIS में बनना है मेरे को।
नाउ आई हैव फाइनली कम टू द डिसीजन, अब मैं डिसीजन पर आ चुकी हूँ दैट आई वुड लाइक टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, और मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूँगी, सी से जो कहती हैं। फ्लोइंग हर क्लास 12th एग्ज़ाम, कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम के बाद, कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के बाद, इट वाज विच स्ट्रीम, ये वो स्ट्रीम थी। सी वांट्स टू सेलेक्ट दैट मोस्ट द इम्पोर्टेंट, सी वांट्स टू सेलेक्ट दैट, जिसे वो सिलेक्ट करना चाहती हैं, दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। वंस आई गोट माई सब्जेक्ट, एक बार मेरे को सब्जेक्ट मिल गया। आई एक्सप्लोर्ड माई ऑप्शन, मैंने अपने विकल्प खोजे। वाट आई वॉन्ट टू परस्यू, जो मैं परस्यू करना चाहती हूँ लेटर ऑन माई लाइफ, बाद की आगे की पढ़ाई में, आगे मेरी ज़िंदगी की पढ़ाई में। एड्स एहसानी ऐड करती हैं, कहती हैं ये वो। हर फादर कर्नल रिटायर्ड, संजय वैद्य वाज विद द आर्म्ड फोर्सेस एंड हैड रिटायर्ड लास्ट ईयर। हर फादर, उसके जो पिता हैं कर्नल रिटायर्ड कर्नल हैं, संजय विद्या वाज विद द आर्म फोर्सेस के साथ थे रहे हैं। हैड रिटायर्ड लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर रिटायर हो गए थे। हर मदर, उनकी माता यूज़ टू बी ए प्राइमरी टीचर, उनकी जो माता है प्राइमरी टीचर हुआ करती थी, बट हैज स्टॉप्ड वर्किंग फॉर सम ईयर्स, उन्होंने काम करना बंद कर दिया कुछ समय से। नाउ एंड इज नाउ होम मेकर, अब वो गृहस्थी संभालती। नाउ एंड इज नाउ होम मेकर घर का काम देखती है। सी आल्सो हैज एन इल्डर ब्रदर, उनके पास बड़ा भाई है शुभम, जिसका शुभम नाम है, हु इज़ वर्किंग ऑन हिज ओन स्टार्टअप, जो अपने स्टार्टअप पर सबके बिजनेस पर कार्य कर रहा है। दैट विल बी लॉन्च्ड सून, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। दिस ईयर्स CBSE हैड कैंसल्ड द फाइनल एग्जाम एंड स्टूडेंट हैड टू रिजॉल्व टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस ईयर, इस साल CBSE हैड कैंसल्ड द फाइनल एग्जाम्स, CBSE ने फाइनल जो परीक्षाएं थी उनको कैंसिल कर दिया था। एंड स्टूडेंट हैड टू रिजॉल्व टू ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट विद्यार्थियों को हैज टू रिजॉल्व, सहारा लेना पड़ा ऑनलाइन क्लास का। आसानी इज नो डिफरेंट, आसानी भी उनमें से अलग नहीं थी। ऑनलाइन लर्निंग हैज़ बीन डिफ़िकल्ट, ऑनलाइन पढ़ना क्लासें लेना डिफ़िकल्ट रहा है। हाउएवर, फिर भी आई डू नॉट थिंक एवरी चाइल्ड हैड द प्रिविलेज टू डू सो, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता एवरी चाइल्ड हैड, प्रत्येक स्टूडेंट के पास है प्रिविलेज, सुविधा टू डू सो, ऐसा करने की हर स्टूडेंट के पास सुविधा है। वी हैड आवर टीचर्स, हमारे पास हमारे अध्यापक थे बाई आवर साइड, हमारी तरफ के, हु रियली हेल्प्ड अस, जिन्होंने हमारे वास्तव में खूब सहायता करी विद द एजुकेशन, शिक्षा के साथ। इफ़ टीचर्स डोंट हेल्प यू, अगर टीचर आपकी मदद नहीं करते विथ योर लर्निंग, पढ़ने के साथ या सीखने के साथ, देन इट बिकम ये होता है ऑल द मोर डिफिकल्ट, बहुत कठिन हो जाता है। सेज आसानी कहती हैं। सो दिस वॉज ए लिटिल आर्टिकल, आई थिंक यू मे हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल, सो थैंक यू वेरी मच डियर, एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग वीडियो लाइक दिस, सो थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।